मैं गुरदयाल सिंह, गांव डाढ़, तहसील झनूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से। ये देखो, आज हम बोलते हैं कि गौ रक्षा करो। गौ रक्षा क्या की जाए? ये मैंने एक गाय पाल रखी है, 1-2 दिन में ये बच्चा देने वाली है। अब ऐसे निर्दयी लोग हैं, ऐसे अत्याचारी लोग हैं जिन्होंने इसको, देखिए ये कैसी कंडीशन में, इसको जानवरों के लिए कोई घोड़ा बना के, कोई बम बना के इसको खिला दिया है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिसके भी पास ये वीडियो जाए, आगे से आगे शेयर करे, ताकि ये गौ हत्या, ये गौ हत्या है, ये बंद होनी चाहिए। ये हमारा पड़ोसी है, साथ में नंदलाल है नाम इसका, मिस्त्री का काम करता है, दीवान है ये, ठीक है। इसने जानबूझ के ये काम किया है और अभी घर से भाग गया है, और अभी घर वाले क्या बोलते हैं कि कर लो जो कुछ भी करना है। तो इसका मतलब इनको किसी भी उससे, ना तो प्रधान से डर है, ना किसी पुलिस वाले से डर है। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको जो है जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। यही मेरी सबसे विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किए, ताकि गौ के बारे में सभी जागरूक हो सके। नंबर 64 डेटेड 26/5/2020 अंडर सेक्शन 286, 429 IPC एंड सेक्शन 11 जो है क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो है वो दर्ज हुआ है, जिसका अन्वेषण जो है वो प्राथमिकता के आधार पे जो पुलिस कर रही है। हमने मौका से कुछ जो है एग्जिबिट्स भी कब्जे में लिए हैं, जिनको हमने परीक्षण के लिए जो है फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी जो है वो भेज दिया है, और जिसका परिणाम जो है वो शीघ्र ही आ जाएगा। आज मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, और जो पीड़ित व्यक्ति हैं और साथ में यहाँ पंचायत भी आई हुई है, प्रधान और वार्ड मेंबर वगैरह सबके साथ जो है वो यहाँ स्थिति का जायज़ा लिया है। और इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि यदि इसमें किसी का कोई फॉल प्ले है और घटना में जो कोई यदि संलिप्त है, तो उसके खिलाफ़ जो है वो कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आम जनता से अपील है कि इसको जो है कोई सांप्रदायिक रंग ना दें और जो है वो शांति बनाए रखें, क्योंकि जांच का विषय है। पुलिस अपना कार्रवाई जो है वो तत्परता से कर रही है।